हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कह लो के टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, वो मेरे ख्याल से हर बच्चे के माइंड में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बना होता है। वो क्वेश्चन क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज किया जाए एग्जाम में जाने से पहले। होता है ना ये सभी के माइंड में क्वेश्चन। तो देखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूं कि आप सभी किसी भी सब्जेक्ट को मिनिमम 2 बार एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करें, या फिर 4 बार, 6 बार, 10 बार, कितनी बार रिवाइज किया जाए कि जो आपकी जो प्रेपरेशन है वो परफेक्ट हो जाए और आप एग्जाम में पहुंचकर हर चीज को इजिली 100% रिकॉल कर पाओ। तो इस चीज का जो हम अगर आंसर ढूंढना चाहें, सबसे पहले तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि मैं किस माहौल में पढ़ रहा हूं, मेरा जो पढ़ने का एनवायरनमेंट है वो कैसा है। देखिए, ये चीज बहुत मैटर करेगी। अब यहां पर मैं आपको बहुत सारी इसमें छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा जिसमें आपको पूरी पूरी हेल्प मिलेगी इस चीज के आंसर को लेकर। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने एक सब्जेक्ट उठा लिया, अब मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं कि वो सब्जेक्ट है आपका थ्योरी का सब्जेक्ट। अगर आपने थ्योरी के सब्जेक्ट को उठा लिया, अब आपने उसकी जो फर्स्ट टाइम स्टडी की, अब यहां पर मेन ध्यान दीजिए, आपने उस सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम स्टडी करना शुरू किया है, तो आप सभी नोटिस करना अपनी लाइफ में, जब हम फर्स्ट टाइम चीज को पढ़ते हैं हम उसको बहुत दिल लगाकर पढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें उसमें नई मिल रही हैं। आप देखना, हम बहुत सारी चीजों के मीनिंग गूगल पर सर्च करेंगे, हम अगर उसके मीनिंग को सर्च करने के बाद भी उस चीज का आइडिया नहीं लगा तो गूगल पर ऑप्शन आती है ना इमेजेस, हम इमेजेस पर क्लिक कर देते हैं कि देखते हैं कि इसकी इमेज कैसी होती है इस चीज की। तो ऐसे हम चीजों को इन डेप्थ मजे से पढ़ते हैं ताकि वो चीज हमें दिल लगाकर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब अगर बात करूं मैं सेकेंड टाइम रिविजन की, तो जब हम किसी चीज को सेकेंड टाइम रिवाइज करना शुरू करते हैं, आप नोटिस करना, हर बच्चा जब सेकेंड टाइम रिवाइज करता है तो वो चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फास्ट निकालना सिर्फ ये सोचकर शुरू कर देता है। उसको याद है या नहीं है इस चीज की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करके हम इसलिए फास्ट निकाल देते हैं कि ये तो पढ़ा हुआ है, अब वो याद है या नहीं है हम ये नहीं सोचते। अगर हमें नहीं याद है, इसका मतलब दोबारा उतनी सर्च, उतना इनडेप्थ स्टडी होनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये तो पढ़ा हुआ है, जब फाइनली दोबारा देखेंगे तो दिखी जाएगी, लेकिन ये याद आ जाएगा, मुझे इतना पता चल गया कि ये मैंने देखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। इसका मतलब सेकेंड टाइम जब हम चीज को रिवाइज कर रहे हैं, हम उसके ऊपर उतनी कंसेंट्रेशन के साथ अपना मन लगाकर पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब सेकेंड जो रिवीजन है उसका फायदा नहीं हुआ। अब ऐसे अगर हम थर्ड रिवीजन तक या फोर्थ रिवीजन तक पहुंच भी जाएं तो हमें उतनी आउटपुट जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इसलिए अगर यहां पर मैं आपको ये आंसर कहूं उस क्वेश्चन का कि कितनी बार रिवीजन की जाए, कि ऐसे कुछ नहीं होता कि हम 3 बार रिवीजन करें या 6 बार रिवीजन करें। अब देखिए, जो मैं आपको टिप देने लगा हूं, मेन चीज टिप क्या, ये फुल एंड फ्लेज आंसर होगा इस चीज का, कैसे रिवाइज करें कि आपको 1 या 2 बार के रिवीजन में काफी हद तक उस सब्जेक्ट का इन डेप्थ सारा कुछ पता चल जाए। तो इस चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करके दिखाता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देखना, मैं आपको एक टेक्स्ट दिखा रहा हूं, वो टेक्स्ट कोई और नहीं है, मैंने एक सीए स्टूडेंट के लिए, अगर आप कोई भी बच्चा है इस वीडियो को देख रहा है, लेकिन मैंने एक सीए के सब्जेक्ट में से जो हमारा टैक्सेशन का सब्जेक्ट है जस्ट एक चैप्टर लिया है इनडायरेक्ट टैक्सेस के, जीएसटी के टॉपिक में से, वो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर एक दो पेज पर कुछ टेक्स्ट दिखाऊंगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल एक क्रिएट करके दिखाता हूं कि कैसे आपने रिवाइज करना है ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि हाँ इस वे से रिवीजन की जाए तो आपको रिकॉलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए, अभी आपको नजर आ रहा होगा जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A लगा हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर ये 279A के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप जस्ट इसके जो फर्स्ट टू छोटे छोटे पैराज हैं स्क्रीन पर, आप जस्ट वो 2 पैराज पढ़ लीजिए, बाकी सारा टेक्स्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले 2 पैरा आप आराम से पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले 2 जो पैरा दिए हुए हैं छोटे छोटे हैं वो पढ़ लिए होंगे। अब मैं ऐसे ही आपको कुछ छोटा सा 1 या 2 पैरे और दिखा रहा हूं, अगर आप उनको भी जरा एक बार रीड कीजिए। आप देखिए, अभी स्क्रीन पर जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, अब जस्ट सिर्फ इसका फर्स्ट पैरा देखें।
जस्ट रीड करना है आपने। मुझे उम्मीद है कि आपने रीड कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने इसको नहीं रीड किया है, या ज्यादा इनडेप्थ रीड करने लग गया कि पता नहीं मैं कौन सा क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप पॉज करके भी रीड कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं कि जो हम कंक्लूजन निकालना चाहते हैं वो क्या है। अब मैं इसी में से आपको एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन भी मैंने स्टडी मटेरियल की बैक साइड पर जो क्वेश्चन दिए होते हैं, बैक क्वेश्चन, उसी में से एक उठाया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अब देखिए, जैसे हमें पता है कि सीए के एग्जाम्स में एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये चार ऑप्शन दी हुई हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कौन सा है, अगर आप चार ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर आप सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर रिकॉल कर पा रहे हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो बच्चा आंसर नहीं रिकॉल कर पा रहा है, मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूं। देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास है बी। इसका मतलब कि हमारे पास आंसर है 279A। अब आपके माइंड में 279A उसमें क्या दिया हुआ था, जो अगर नहीं रिकॉल हो का पा रहा तो आप वापस जाओगे उसी टेक्स्ट पर, आप देखोगे 279A में क्या था। लेकिन अगर मैं आपको यह बोलूं कि 269A भी मैंने आपको दिखाया था, जरा उसके बारे में सोचो क्या था, तो आपको लगेगा हां देखा तो वो भी है लेकिन वो भी हमें याद नहीं आ रहा है। अब अगर हमें यह पता चल गया कि ये दो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं, अब इन क्वेश्चंस को माइंड में रखकर अब मैं जरा उस टेक्स्ट को देखूं कि 279 में ए क्या दिया हुआ था, कि 279A में क्या था, आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए ज्वाइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स, नेमली गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इसका मतलब कि यहां पर ये पावर दी हुई है, अगर ऐसे हम 269A में आ जाएं तो वहां पर क्या था, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, ये हमारे पास 269A के रिगार्डिंग टैक्स था। अब अगर हमने पहले क्वेश्चन को देख लिया कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से बैक सर्च में आए, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर पूछा गया तो उसका ये आंसर है, तो हमने जब अंदर टेक्स्ट को जाकर पढ़ा तब हमें पता चला अच्छा कि इस टेक्स्ट की ये वैल्यू है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब मैं आपको दो मिनट में ये सारा कंक्लूजन आपके हाथ में रख दूंगा। हमने एक बार सारा टेक्स्ट पढ़ा, हमने दूसरी बार पढ़ना शुरू कर दिया, हमने तीसरी बार पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब हमने क्वेश्चन देखा तो हम उलझ गए क्योंकि हम क्वेश्चन को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अब होना क्या चाहिए, हमने एक बार टेक्स्ट को पढ़ा बस सफिशिएंट है, क्योंकि एक बार मैंने आपको पीछे इस वीडियो में बोला था कि हम बहुत ही इनडेप्थ अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अब क्या कीजिए, आप कोशिश कीजिए जितने मैक्सिमम आपकी अगर बुक में बैक क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको दिल लगाकर सोचें, नहीं दिमाग में आ रहा है तो बुक में सर्च करें कि इसका आंसर क्या था, अगले क्वेश्चन पर आए नहीं दिमाग में आ रहा है उस चीज को सर्च करें कि इस चीज का आंसर क्या था। जरूरी नहीं एमसीक्यू की बात हो यहां पर, वैसे भी तो और क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर आप नहीं रिकॉल कर पा रहे तो पूरा फाइंड आउट करो कि इसमें क्या टेक्स्ट लिखना है आपने। अब बिल्कुल ऐसे ही आप और क्वेश्चंस के लिए इधर उधर भागने की बजाय अपने पास्ट एग्जाम पेपर क्वेश्चंस को उठा लें, उसके क्वेश्चंस को देखें कैसे क्वेश्चंस पूछे हम रिकॉल कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी बुक में उस चीज को सर्च करें। अब अगर आपने वो भी कर लिए हैं तो आपके हाथ में कोई मॉक टेस्ट पेपर आ सकते हैं, और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो हमें हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे ही इंस्टीट्यूट से मिल जाता है डाटा, जहां पर हम उसके क्वेश्चंस और देख सकते हैं, कोई रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं, ये सारी ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। ये सारी मैंने एक लिस्ट देखना मैं आपको दिखाता हूं, मैंने बनाई भी है कि आप कैसे जब आपने एक बार रीडिंग कर ली है तो दूसरी बार की रिवीजन में ही आपका सब कुछ वाइंड अप हो जाए, वो कैसे पॉसिबल है। एक तो मैंने लिखा है कि आप जो अगर आप स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड स्टडी, आप जब भी स्टडी करते हैं उसको क्वेश्चन आंसर बेस लेकर कीजिए, कि आपने अगर एक बार सारे कंसेप्ट कर लिए अब आ जाइए आप क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, कि क्या मैं उन क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहा हूं। आपकी सेकंड रिवीजन में ही चीजें वाइंड अप होनी शुरू हो जाएंगी, इस चीज को प्रैक्टिकली ट्राई करके देख लेना। दूसरी बात, कोशिश करें कि अगर आपके पास आपके सर्कल में आप तीन चार बंदे आपस में ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा ग्रुप बना लो, वो तो जस्ट एक डिजास्टर ही हो जाएगा। आपने एक छोटा सा दो तीन या चार मैक्सिमम पर्सन का ग्रुप बना लेना है,
तो सारा स्टडी करने के बाद मिलिए कुछ देर के लिए, टाइम प्लान करके आधा घंटा एक घंटा बैठेंगे और आपस में टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करेंगे। उसके साथ आपका जो सब्जेक्ट है उसके जितने वीक पॉइंट्स है वो सारे दूर हो जाएंगे। बहुत मजा आएगा इस वे से स्टडी करने का। मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछिए एक दूसरे को। अब फाइनली जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितने पास पेपर्स के मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, बुक के बैक क्वेश्चंस है, जितने पॉसिबल सोर्सेज हो सकते हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे से एक आप सुन लो कि होता क्या है, हम जब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अगर किसी बच्चे को कह दो कि अब पूरा टेस्ट दे दो या पेपर सॉल्व करके देखो, तो उसका आंसर ये होता है कि अभी एक बार और रिवाइज कर लूं, अभी मेरी रिवीजन अच्छी नहीं है कि मैं पेपर्स को देख सकूं। वो रिवीजन कभी भी नहीं ऐसी होगी कि आप पेपर तक पहुंच पाओ। इसलिए पहली बार रिवाइज किया, आपका माइंड पूरा चीजों को समझ चुका है, अभी पेपर को देखिए, जहां प्रॉब्लम आ रही है बैक रिवर्स जाएं, देखना आपकी दो या तीन, मैक्सिमम तीन आपकी रिवीजन में सब्जेक्ट आपका वाइंड अप हो जाएगा। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को समझ लिया, फॉलो कर लिया, तो आपको एग्जाम में जाकर कह लो जितनी प्रॉब्लम आती है वो सारी दूर हो जाएगी और आपके जितने मसले हैं वो हल हो जाएंगे इस बार। तो चलिए मेरी इस चीज को माइंड में रखकर चलना। हाँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, ताकि सभी बच्चे इस चीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें कि कितनी बार चीजों को रिवाइज किया जाए और कैसे रिवाइज किया जाए। अगर किसी बच्चे को इस चीज के रिगार्डिंग, जब उसको लगता है कि मैं ऐसे करता हूं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं, तो मैं स्क्रीन पर आपको एक अपना हेल्पलाइन नंबर दिखा रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा होगा, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी हो माइंड में तो पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी कुछ ना कुछ जो आपके माइंड में आए कि आप क्या आपने इस कह लो वीडियो में से कंक्लूजन निकाला, जरूर कमेंट करना। हाँ, और इसके अलावा आप सभी बच्चे हमारा एक जो राइप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं काफी वीडियोस जो डालता हूं उसमें, अगर जैसे मैं आजकल डायरेक्ट टैक्सेस की अमेंडमेंट्स की वीडियो डाल रहा हूं, जितना भी उसका टेक्स्ट होता है, जब और कोई वीडियोस में टेक्स्ट दिखाता हूं मैं, वो वहां पर शेयर कर देता हूं, आप वो सारा टेक्स्ट फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। काफी कोई सेक्शंस है, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोविजंस हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम अपना जो कह लो जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो याद से जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कर लेना रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू जी।